जय हिंद डियर। तो चलिए बीएसटी का और एक चैप्टर का सेशन दे रहे हैं। उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना सर, किस चैप्टर का? सर ये है स्टाफिंग चैप्टर का, है ना। इस तरह आपको एक एक चैप्टर का सारा सेशन दे देंगे, आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। तो सर स्टाफिंग में क्या पढ़ना है? स्टाफिंग में आपको चार क्वेश्चन पढ़ना है। कितना क्वेश्चन पढ़ना? चार। अभी चार पाँच करके क्वेश्चन दे रहे सर हम लोग, महीने के फरवरी की शुरुआत में सब चैप्टर से एक दो क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे। अभी समय है, थोड़ा चार पाँच करके पढ़ लो। अगर चार करके क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाएगा। सर स्टाफिंग में क्या क्या पढ़ना, वो चार क्वेश्चन क्या क्या है जल्दी देखते हैं, वो चार क्वेश्चन क्या क्या है। सर पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्या? सर पहला क्वेश्चन पढ़ना है, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सर क्या? स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट है। सर दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी। सर किसका? स्टाफिंग का, स्टाफिंग ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी क्या है। सर तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेंशन द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सर रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्सेस मेंशन करना है। सर उसके बाद मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? तो सर स्टाफिंग से एक केवल चार क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार और बताइए सर क्या क्या? स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर डिस्कस द इम्पॉर्टेंट और नेसेसिटी ऑफ स्टाफिंग, मेंशन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सर इस चैप्टर से चार क्वेश्चन पढ़िएगा, काफी है, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा स्टाफिंग चैप्टर का सेशन। इसी तरह से और कुछ चैप्टर बचा हुआ उसका सेशन हम कुछ दिन में, कल भी दो तीन चैप्टर का आप लोगों को सेशन दे देंगे। ओके, तो चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।